नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इन फाइनेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और ये गलतियां भी ऐसी होती हैं कि जो एग्जाम में हमें पता नहीं चलती हैं। हम कॉन्फिडेंटली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हमें ये नहीं एहसास होता कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। और जब हम रिजल्ट देखते हैं फिर सोचते हैं यार हमने अटेम्प्ट तो इतना किया था बट हमारे मार्क्स कम क्यों आ गए या कहाँ मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए हमें पता नहीं चला। तो एक ऐसा कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस कंसेप्ट का नाम है अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेशन। तो यानी जब आप स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अब स्क्वायर कैलकुलेट करना आई होप आप सभी लोगों को आता है और बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अप्रोक्सीमेशन में गड़बड़ होने की वजह से चीजें गलत हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा। ये मेरा एक बेसिक प्रोफाइल है। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सो दे कम टू नो कि मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं एक एक्सिस बैंक ऑफिसर रह चुका हूँ 2015 बैच एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आप लोगों के सामने है, इसको आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे इस क्वेश्चन में कहा गया है 12.66 का स्क्वायर इंटू 21.01 डिवाइडेड बाई 6.97, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें दोस्तों तो देखिए इसका आंसर कैसा आएगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस में बच्चे क्या करते हैं 12.66, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 13 ले लेते हैं। सो 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये इससे जाएगा 3 टाइम्स। तो 169 इंटू 3 अगर हम देखें तो 9 3 जा 27 2 कैरी, 16 3 जा 48 और 2 50 507। तो हमें अपना नजदीकी ऑप्शन दिखता है 505 जो कि गलत है। मैंने जानबूझ के आंसर को अलग रखा है सो दैट आप समझ पाए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 480, बट हमें अपना आंसर भी ऑप्शन में दिख रहा है और हमने जो कैलकुलेशन की है वो भी हमारे ऑप्शंस के नजदीक है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार नहीं, ए वुड बी द आंसर, यानी मैं सही हूं, मैंने कैलकुलेशन एकदम सही की है। लेकिन फिर भी आंसर में गलती करवाई गई है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था दैट वॉज 480। अब इसको कैसे ठीक करना है या इसको किस तरह से देखना है, ये कब सोचते हैं। देखिए अगर आपके ऑप्शंस में गैप अच्छा होता, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे गैप कुछ इस तरह से होता, एक ऑप्शन 600 होता, एक 480 होता, एक 300 होता, एक 250 होता, ठीक है, अच्छा खासा गैप। अब आपकी कैलकुलेशन 500 भी आई होती तो आप टिक तो 480 ही करते थे। बात समझ रहे हैं मेरा? तो जब क्वेश्चंस में ऑप्शंस में गैप अच्छा खासा होता है तब अप्रोक्सीमेशन की गलत होने की संभावना या चांसेस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। लेकिन जब ऑप्शंस क्लोज होते हैं, यहाँ पे देखिए केवल 20-20 का गैप है, अगर आप देखें ओनली 20-30-20, तो यानी ऑप्शंस के बीच में जो वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो ओनली 20-30-20-30 का है। तो ऐसी कंडीशंस में कई बार वो गलत करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे समझना है कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब कई बच्चों के मन में आता है सर 12.66 का स्क्वायर हम कैसे लेंगे, इसको तो कैलकुलेट करने के लिए हमारा समय बहुत चला जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे डिटरमाइंड करेंगे कि 12.66 का स्क्वायर इतना होगा। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों एक फंडा होता है अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेशन नहीं स्क्वायर का, फंडा क्या होता है मैं पहले उस फंडे को आपको क्लियर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, लिसन इट केयरफुली। दोस्तों एक अप्रोच होती है कि कंसेक्यूटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा 9 होगा, वो उन दोनों नंबर के सम के बराबर होता है, 4 + 5 = 9। ये एक बेसिक अप्रोच होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे पकड़ते हैं या इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इस कंसेप्ट में वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। आपको स्क्वायर लेना था 12.66 का, समझे मेरी बात को। तो 12.66 की जो भी वैल्यू होगी वो 12 और 13 के बीच में होगी, या तो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में होगी। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। आर यू ओके विद दैट? यानी हमारा जो भी आंसर या जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों दैट वुड बी समवेयर बिटवीन 144 to 169। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। दूसरी चीज, इन दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस कितना होगा,
तो इन दोनों के स्क्वायर में जो डिफरेंस रहेगा दोस्तों वो 25 का रहेगा. 12 प्लस 13 विल बी 25. 12 प्लस 13 का डिफरेंस होगा. लेकिन हमारे 12.66 की वैल्यू 144 से ज्यादा होगी और 169 से कम होगी, ये हमें पता है. तो 144 से कितनी ज्यादा होगी, देखिए 12.66, तो 0.66 क्या होता है, टू थर्ड होता है. सो टू थर्ड ऑफ 25 ले लेंगे, यानी ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का उसका हम टू थर्ड ले लेते हैं. तो ये बेसिकली निकल के आता है 50/3. तो अप्रोक्सीमेट इट इज 17, अप्रोक्स इट इज 17. तो अगर मैं 144 में 17 ऐड कर दूंगा तो मुझे अपना अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा विच इज 161. तो 12.66 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 161. अब ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मैं इसकी जगह 161 रखता हूँ और ये 21/73 है तो इट इज माई अप्रोक्सीमेट आंसर इज 183. सो दैट वुड बी माई करेक्ट आंसर. समझ में आया क्या? और ये प्रोसेस कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत लेंदी या बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है ना. मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल भी करवाता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है दोस्तों. तो ध्यान से सुनिएगा, एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट एकदम सटीक हो जाए. मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 14.23 का स्क्वायर. एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा. 14.23 का स्क्वायर, तो दोस्तों 14.23 का स्क्वायर जो भी होगा दैट विल बी बिटवीन 14 एंड 15 स्क्वायर. 14 का स्क्वायर विल बी 196, ठीक है. और 14 और 15 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 29 का होगा. और 0.23 तकरीबन 0.25 के करीब, यानी 1/4 के करीब, अप्रोक्सीमेट 1/4 होगा. तो अगर मैं इसको इससे कट करता हूं तकरीबन 7 बार चला जाएगा. तो 196 प्लस 7 विल बी यानी 203. दैट वुड बी माई अप्रोक्सीमेट वैल्यू. एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि कंसेप्ट और दिमाग में बैठ जाए आपके. मान लीजिए एक दिया 22.29 का स्क्वायर. 22.29 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 होगा. 22 और 23 में डिफरेंस 45 का होगा. और 0.29 जो है तो मैं इसको तकरीबन 1/3 ले लूँ, अप्रोक्सीमेट 1/3, क्योंकि 1/3 नहीं, चलो 0.3 यानी 3/10 ले लूँ, 3/10. तो देखिए इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको ये 13.5 हो जाएगा. तो 484 प्लस 13.5, तो यानी अप्रोक्सीमेट इट वुड बी 497.5, अप्रोक्सीमेट. क्लियर? तो जब आप एक्चुअली अगर आप चाहें तो कैलसी के थ्रू या फिर एग्जैक्ट एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सो दैट आपका जो डर है या फिर आपका जो ये है फियर है कि यार इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ठीक बैठेगी कि नहीं, वो अपने आप निकल जाएगी. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 0.7, 0.5, 0.3, इतना डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. तो ये एक बेहतरीन मेथड है, बेहतरीन तरीका है, आप इससे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. एक और अप्रोच बता देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस मेथड के ऊपर. मान लीजिए 18.76 का स्क्वायर लेना है सपोज, ठीक हो गया, 18.76 का स्क्वायर. तो ये क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा. तो 18 का स्क्वायर इज 324. 18 और 19 में जो डिफरेंस होगा 37 इंटू 0.76 का मतलब होगा 3/4, करेक्ट है. तो 37 इंटू 3 111/4 अगर आप करेंगे 112 के करीब ले लीजिए, तो तकरीबन 28 मिल जाएगा. तो यानी 324 प्लस 28 यानी अप्रोक्सीमेट इट विल बी 352. ओके, तो एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों, ये एकदम आसान मेथड है, इसको आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको आप बहुत सारी चीज़ों में सॉल्व भी कर सकते हैं और बिना कोई ज़्यादा समय गंवाए और एकदम मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है. कोई ट्रिक नहीं, कोई मैजिकल चीज़ें नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस और मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है. और साथ ही नोटिफिकेशन की आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. इस तरह के और भी बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए. तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.